हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम, बाजार 8:30 बजे बंद करने का फैसला। तमाम शादी हॉल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। वजीर आजम की सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में 20% कमी लाने की हिदायत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्लान पर अमल दरामद से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तवानाई बचत प्लान जनूबी पंजाब समेत मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। ई बाइक के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा। तवानाई बचत प्रोग्राम पर मुल्तान के ताजरों का सख्त रद्द अमल। दुकानदारों का कहना था कि मार्केटें जल्द बंद होंगी तो बिजली के भारी भरकम बिल कहां से अदा करेंगे। हुकूमतें मार्केट बंद करवाने के औकात कार रात 10 बजे तक करें। हुकूमत का नए साल के मौका पर आवाम को पहला तोहफा। काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक ज्यादातर अद्वियात की कीमतों में कमी 30% हुई। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल। वजारत सेहत ड्रिप में मेरिट और शिफाफियत के निजाम को फरोग देने के लिए पुराज़िम। हुकूमत ने नया साल आवाम के लिए कर दिया मुहाल। शहरे ओलिया के वासियों को नए साल के हर नए दिन महंगाई के तोहफे मिलने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की कीमतों में इजाफा। आटा, चीनी और घी की कीमतें बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर पर आम आवाम पैकेज और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पैकेज की कीमतों में तजाद। शहरियों ने हाथ जोड़कर हुकूमत से रिलीफ की दुहाई कर दी। महंगाई की लंबी उड़ान, आटा, घी, चीनी की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में 15 किलो आटे की कीमत 1,940 रुपए तक पहुंच गई। 2 हफ्ते में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा। गल्ला मंडी में गंदम तारीख की बुलंद तरीन सतह 4400 की हद तक उबूर कर गई। आटा से हमें नहीं मिल रहा, आटा मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। महंगा दाम में इतना मिल रहा है कि हमें 140-150 में हमें खरीद हो रही है। जो मैं 5 किलो आटा लेता था, मैं 2 किलो आटे पे आ गया हूँ और हमारे घर का गुजर बहुत मुश्किल हो गया है। कल भी आए थे सर, कल भी हमें नहीं मिला, हम खाली चले गए। अब आए तुम्हारे सामने 8 बजे के इधर आए हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिला। कल के बच्चे भूखे बैठे हैं हमारे। 1 जनवरी 2023 में ये इजाफा घी 300 रुपये का था, अब वो वही 370 रुपये का हो गया। चीनी जो थी अपना 70 रुपए की थी, वो 20 रुपए इजाफा किया गया। गरीब आदमी और मुलाजमीन के लिए बहुत दुख की बात है। मेहरबानी करके ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मुल्तान में आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सबके धक्के खाने पर मजबूर। लैया में भी सस्ती अशिया खरीदने यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले शहरी रुल गए। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 35 लाख आबादी वाले जिला को महदूद कोटा दिया जाने लगा। उधर मियांवाली में सरकारी आटे की किल्लत, शहरी आटे की कमी के बायस खाली हाथ लौटने पर मजबूर। जी हम सुबह से आए हुए हैं, ठीक है, आटा नहीं मिल रहा। जिनके पास टोकन है उनको भी खड़ा कर रखा है और जिनके पास नहीं है, सिफारिश वाले हैं, वो सब लेके जा रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। ना सर नाल कोई मार दे, ना कोई कल्हे औरता है, ना साए आटा गिना। सारे को सिफारतों को मिलता, पैसा को भी नहीं मिला, भावे टोकन भी वाल भी नहीं मिलता। सर जी बहुत मुश्किल थी, नहीं पे आवाम लाइन में खड़े है, कहीं ना कोर्ट भी नहीं मिलता। इतने गरीब बंदे खड़े थे, उन्हें तो कोर्ट नहीं मिलता। हूँ 650 का आटा, जरा 400 वाला आटा ना, वो 650 का देना बैठा। भाई जान बहुत मुश्किल थी पे, जरा गरीब आटा गिना आता है 650 रुपए का आटा है, तो दिहाड़ी 1000 रुपए छोड़ के आता है। लेने खाड़ खड़ के वाल में धिक्के खा के आटा ही नहीं मिलता। मुल्तान में आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें। खातीन, बुजुर्ग, बच्चे सब धक्के खाने पर मजबूर। डीजी खान में आटे की फराहमी के लिए सेल प्वाइंट की तादाद बढ़ गई।
नायब सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब कहते हैं जिला में 26 सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स कायम किए गए। उधर लोधरा में आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का टीम के हमरा दौरा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जहीर अहमद ने आटा पॉइंट्स पर स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। बहावलपुर में यूरिया की मौजूदगी के बावजूद किसानों को खाद न मिलने का मामला। काश्तकार सरापा एहतजाज। मुजाहरीन कहते हैं पोर्टल पर नाम मौजूद शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं, मतलूबा खाद नहीं दी जा रही। उधर सादकाबाद में यूरिया की कीमत में 190 रुपए बोरी इजाफा। यूरिया का रेट 2250 से बढ़ाकर 2240 रुपए का कर दिया गया। बहावल नगर में महंगाई का जिन काबू से बाहर। बढ़ती महंगाई ने वालदैन को अपने बच्चों को तालीम दिलवाना भी मुश्किल कर दिया। कॉपी किताब और दीगर अशिया की कीमत में बेपिना इजाफा। शहरियों का कहना था घर का खर्चा पूरा करें या बच्चों को तालीम दिलवाएं। 20 रुपए वाली कॉपी अब 50 रुपए में भी नहीं मिलती। 300 रुपए वाली किताबों के बैग की कीमत 1000 रुपए हो गई। जलालपुर पीवाला में गैस की लोड शेडिंग। गैस की गैर ऐलानिया बंदिश से तंग होकर शहरियों का महकमा सुई नौदन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन कहते हैं महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। हुकाम गैस लोड शेडिंग से मुतलिक नोटिस लें, शहरियों का मुतालिबा। जाते हैं इधर शिकायत करने के लिए, वो बात भी नहीं सुनते। वो खान साहब बैठे हुए, उनको कहते हैं भी गैस नहीं है, वो कहते हैं भी हम क्या कर सकते हैं। जब पीछे से आर्डर है, यहाँ जीएम साहब भी नहीं आता, वो पीछे से कहता है डेली भी प्रेशर काम करो काम करो, डेली काम कर देते हैं। उनकी वजह से हम लोग फिर ये इजाफी खर्चा कर रहे हैं। रहीम यार खान ने सरकारी कॉलेजेस में 23 बसें और 10 कोस्टर्स तकसीम। रहनुमा पीटीआई हाशिम जवां बख्त का कहना था सरकारी कॉलेजेस में बसों की फराहमी से तुलबा को मवासलाती सहूलियात मैसर होंगी। इफ्तिताही तकरीब में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर, एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक की शिरकत। भक्कर सराय महाजर में 1 अरब 16 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब। तकरीब में वाबदा अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियत समेत हजारों अफराद की शिरकत। एमएनए अफजल खान कहते हैं आवाम ने वोट दिया, उनके हक के लिए लड़ेंगे। उधर जतोई में निजी फलाही तंजीम के जेर एहतमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया। जुगीवाला के रिहायशियों के लिए शिफा वाटर फिल्टर प्लांट इफ्तिताह कर दिया गया। इस पे अब काम शुरू है तेजी के साथ। तो ये सराय मुहाजिर के लिए जो कि आगे बखर का एक सेंटर बनने जा रहा है, जिला बखर का सबसे अहम तरीन सेंटर सराय मुहाजिर बनने जा रहा है, और उसके लिए इस ग्रिड की बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये ग्रिड आज पाया तकमील को पहुंच रहा है, इसका हमने इफ्तिताह किया है। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद की जेर सदारत शुगर से स्कीमों बारे इजलास। मुल्तान के डागरा वाला भुतिया वाला सड़कों की बहाली की मंजूरी। 10 फुट चौड़ी सड़क की बहाली पर 12 मिलियन रुपए लागत आएगी। कमिश्नर इशफाक अहमद का तमाम स्कीमों में क्वालिटी को मेयार बनाने का हुक्म। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट रोबीना कोसर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहावलपुर के इंतखाबात 14 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। सदर के लिए 2, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर 3 उम्मीदवार मदे मुकाबल होंगे। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात में हम ख्याल इतिहाद के इलेक्शन से पहले बड़ी कामयाबी। ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत ऑडिटर और 5 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब। मुल्तान बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम जजेस के एजाज में तकरीब। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इशरत अब्बास के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। सदर डिस्ट्रिक्ट बार वसीम खान बाबर और जनरल सेक्रेटरी अरशद साबिर मेयो की शिरकत। तकरीब में वकला समेत दीगर की शिरकत।
मियांवाली में कत्लो गारत के खात्मे के लिए सिविल सोसाइटी बाहर निकल आई। यूसी सतह पर मसालियाती कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। मियो ऑर्गेनाइजेशन के जेर इंतजाम शऊर आगाही वॉक और तकरीब का अहतमाम। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद समेत वकला, डॉक्टर्स और शहरियों की शिरकत। जनूबी पंजाब में असासा के मसाइल का होगा अजाला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मसाइल के हल के लिए सरगरम। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स अंसर मजीद सियाल कहते हैं असासा के पेंशन से मुतालिक केसेस हल कर दिए गए हैं। असासा के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो रहे हैं। टीचर्स की सहूलत के लिए ह्यूमन रिसोर्स ऐप बना दी गई है। जिला इंतजामिया अलीपुर की जानिब से नंबरदार कन्वेंशन का इनेकार। चेयरमैन लैंड अथॉरिटी पंजाब मखदूम रजा बुखारी बतौर मेहमान खसूसी शरीक। डीसी मुजफ्फरगढ़ और मखदूम रजा बुखारी ने नंबरदारों में कार्ड तकसीम किए। मुल्तान डिवीजन में गंदम की फसल पर जड़ी बूटियों के हमले का खदशा। माहरीन की जड़ी बूटियों की शनाख्त के बाद स्प्रे करने की हिदायत। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात अब्दुल समद कहते हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकार जड़ी बूटियों के तदारुक में लापरवाही ना करें।